आप सब लोगों के लिए और मैं आपको इस बात का वादा दिलाता हूं, समय कैसा भी आए कोई कितना भी बोल ले, जिस दिन जब जहां आप चाहोगे अपने बीच मुझे खड़ा पाओगे, मैं आपको वादा कर जाता हूं। जिम्मेदारियां अलग अलग समय पर आती हैं, पहले विपक्ष में थे, बहुत संघर्ष किया, सरकार में आए, फिर चुनाव हुए, फिर विपक्ष में आ गए, कोई बात नहीं, फिर संघर्ष करेंगे, फिर सत्ता में आएंगे और सत्ता में लोग आना चाहते हैं, सत्ता में आए और हमारी कलम की स्याही से लोगों का भला हो, गांव का विकास हो, बच्चे बच्चों को नौकरियां मिले, माताएं बहनें खुश रहें, उनकी आमदनी बढ़ सके, अच्छी नीतियां बने, अच्छी योजना बने, अच्छे कार्यक्रम बने, चोरी डकैती को रोकें, जो संसाधन ऐसा बजट गांव के आप लोगों की जेब में जाना चाहिए, वो किसी बिचौले के हाथ में नहीं जाए, ईमानदारी से काम हो, इस ग्राम के लिए सत्ता चाहिए और सत्ता मिलने के बाद जो जनता की सेवा करेगा, जो किसान की बात करेगा, मुझे दुख होता है दोस्तों, आज हमारे किसानों पर क्या बीत रही है, पूरे देश भर के किसान आज परेशान हैं। आज कोई कारण होगा कि सारे देश के किसान दिल्ली जा रहे हैं और किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड लग रही है, पुलिस के जाब्ते लग रहे हैं, कीले बिछाई जा रही हैं। किसानों की आवाज सुनने वाले लोग खत्म हो गए, किसान का दर्द महसूस करने वाले लोग बहुत कम रह गए, किसान की बात को मजबूती से उठाने वाले लोग बहुत कम रह गए। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ, जहाँ जैसे होगा, जयपुर है, दिल्ली है, लेकिन किसान की बात, मेहनत करने वाले लोगों की बात हमेशा हम उठाते रहेंगे, परिणाम जो भी हो, लेकिन आप सब लोगों के लिए, किसानों के लिए हम संघर्ष करेंगे, हम ईंट से ईंट मिला देंगे, लेकिन किसान भाइयों की आवाज उठाते रहेंगे। अरे राजनीति करनी है, अगर पद चाहिए, कुर्सी चाहिए, 100 पड़े हैं, कोई जाके बैठ जाए,